हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है। तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और काफ़ी दिन हो गए जो मैं वीडियो नहीं बना पाई। इसका कारण एक तो आरव है और दूसरा टाइम नहीं लगा। आरव ना थोड़ा अस्वस्थ है तो ये खेलते वक्त गिर गया था, जिसकी वजह से इसकी बाजू फ्रैक्चर हो गई है। उसमें प्लास्टर लगा है और इसको 4 या 5 दिन हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाई और ज़्यादा टेंशन भी हो गई थी। पता नहीं किरा, वैसे ही हम IGMC चले गए थे तो 2 दिन के बाद हम IGMC से आए, 2 दिन IGMC में ही थे और उसके बाद फिर प्लास्टर लगाया। अभी तो हफ्ते का लगाया, हफ्ते के बाद बुलाया है और बाकी ऐसे ठीक है, ऐसे कहीं चोट नहीं आई है इसको। और हेलो गाइज, क्या हुआ? बाजू टूट गई। टूट गई तो बोलती हूँ मैं, शरारते कम किया कर बेटा, कम किया कर। मैंने क्या किया, बैडमिंटन खेला था, ऊपर देखने लगा था, वो मेरे पैर नीचे से फिसल गया तो मेरे को दिखाई नहीं, मैं आगे को गिर गया और तो सब बाजी यहाँ से आगे से फ्रैक्चर हो गई। अच्छा, तो अब तो हफ्ते के बाद ही पता लगेगा कि डॉक्टर क्या बोलते हैं। उसके बाद फिर मतलब बोल तो अभी ऐसे रहे थे डॉक्टर की 4 से 6 हफ्ते के लिए इसको प्लास्टर लगाए। अब उसके बाद आपके लिए एक सरप्राइज भी है, जिसकी वजह से कि लोग कमेंट करते रहते थे आपकी आवाज़ नहीं आती, आपकी आवाज़ नहीं आती, उसके लिए भी मैंने एक जुगाड़ कर लिया है और मैं देखूँगी इसको। तो वो है ये जुगाड़, मैंने ले लिया है माइक और अब देखूंगी मैं इसमें कितनी रेंज है, कहाँ तक इसकी आवाज़ जाती है और कैसे कनेक्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है। देखती हूँ मैं आपको ये ऑन करके, पता नहीं इसमें अब आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं देखती हूँ ज़रा कितनी दूर तक इसकी आवाज़ आती है और तब दिखाती हूँ मैं आपको आगे कहाँ तक इसकी कवर होती है। मैं बाहर चली गई हूँ और फिर सड़क तक ही जाती हूँ मैं, सड़क तक देखती हूँ जरा सड़क तक इसकी आवाज़ आती है या नहीं आती है। उसके बाद मैं फिर और देखूँगी नज़दीक से, अगर नहीं आएगी तो दूर तक जाके। पता नहीं अब मैंने फ़ोन तो अंदर रखा है, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। और ऊपर स्कूल में भी होगी है छुट्टियाँ बच्चों के लिए, 4 बज चुकी है। तो देखती हूँ मैं अंदर वापस चली जाती हूँ, आवाज़ आई है या नहीं आई है। अब देखूंगी मैं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे मैं गई थी सड़क तक, तो इसमें ना बहुत अच्छी आवाज आ रही है। मैं सड़क तक गई थी बाहर, अभी तो फिलहाल सड़क तक ही मैंने इसकी रेंज कवर की है और उसके बाद जब हम कहीं जाएंगे तो मैं उसके बाद देखूंगी फिर कि कहाँ तक इसकी रेंज है। और इसमें बहुत ही अच्छी आवाज आ रही है तो आवाज़ का भी कोई इशू नहीं होगा। अब लोग कमेंट भी नहीं करेंगे कि आपकी आवाज़ नहीं आती, आपकी आवाज़ नहीं आती। मेरी आवाज़ बहुत ही कम आती थी तो जो कि मैं ज़्यादा जैसे पब्लिक के बीच होती थी वहाँ भी ज़ोर से नहीं बोल पाती थी, जैसे कि अभी शुरू शुरू में घबराहट जैसी होती है। और उसके लिए ही मैंने ये जुगाड़ किया है ताकि मेरी आवाज़ बहुत ही अच्छी आए। और ये है आरव के पापा, क्योंकि मैंने माइक दिया है और बोल सकते हैं आप क्या आवाज बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। लगता जैसे कि वहाँ सीता का हमने, तो मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी अच्छी आवाज आएगी, इतनी अच्छी पिकअप कर पाएगा है। अब आप इतने बाहर गए तो बाहर से घूम के आ रहे तो आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है, क्लियर आ रही है, क्लियरेंस आ रही है। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि मैंने इनके पास भी माइक दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, इन्होंने भी कॉलर में माइक लगाया हुआ है और ये थोड़े टेढ़े से बैठे हुए है। और बाकी तो फिलहाल आवाज़ का इशू था और आरव को अब मंडी को ले जाना पड़ता है दिखाने के लिए, तो मंडी तक फिर ऐसे ही है, पीछे मुंडी निकाल के बैठा हुआ। आप बोलना चाहेंगे कुछ बेटा अपने बारे में?
तो हफ्ता हो गया है इसको स्कूल नहीं जा पाया, स्कूल से मतलब इसको हफ्ते की छुट्टियां दी हुई है और बोला हुआ है आरव के टीचर ने कि इसको हफ्ते तक स्कूल मत भेजो आप, अब अगले मंडे से ही आरव स्कूल जाएगा। मंडे से तो क्या, मंडे को तो हम शिमला जाएंगे, ट्यूसडे से ही आरव स्कूल जाएगा। बाकी देखते हैं फिर बाहर के हाल, बाहर मौसम में कुछ बादल लगे हुए हैं और इधर मिस्त्री लगे हुए हैं, आगे जो आवाज़ आपको शायद आ रही होगी। तो ये है जी शाम का नज़ारा, हल्के हल्के बादल है, धूप भी जाने वाली है अभी, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी रही है अभी। और पीछे रोड के इतने बुरे हाल है, मिट्टी मिट्टी है चारों ओर, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से साफ कर दिया है और जब गाड़ी जाती है इधर से तो धूल ही धूल हो जाती है चारों ओर। अभी तो ऐसे लग रहा है कि कई दिनों से बारिश ही नहीं हुई है, जबकि परसों बारिश हुई थी, धूल इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने माइक चेक करने के लिए वीडियो थोड़ी सी शूट की थी और उसके बाद वीडियो का भी कर देंगे यही एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब कर लेते हैं डिनर की तैयारी।